बढ़ते हैं आगे और अब लाते हैं पावर प्ले सेगमेंट आपके लिए। रत्नेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए पावर प्ले सेगमेंट के लिए आज आपकी रणनीति, आपकी पिक कौन सी है? पहले तो मैंने एचएल का दिया था स्टार्टिंग में कॉल में, एचएल 4200 के आसपास में आ गया है, तो जिन्होंने वो लिया हो वहाँ पे मैं रिकमेंडेशन पे वो या तो थोड़ा पार्शियल मुनाफा बांध दे या उसमें बने रह सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के। दूसरा जो रहेगा मेरा क्यूमिंस इंडिया, क्यूमिंस इंडिया में काफी अच्छी तेजी यहाँ पे बिल्कुल बरकरार दिखती है मुझे, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक तेजी करी जा सकती है। यहाँ पे 3630 रुपए का स्टॉप लॉस, 3730 का टारगेट। तो कमिंस इंडिया 3% ऊपर आ चुका है, इसमें आप तेजी करके चलिए। और एच ए एस शो की शुरुआत में आपको सुझाया गया था वहां पर, अब आप चाहे तो मुनाफा बुक कर सकते हैं। काफी अच्छी तेजी शो के दौरान ही यहाँ पर देखने को मिली और हमने स्टार्टिंग में आपको सुझा दिया था, तो ये ट्रेड लीजिए और चाहे तो मुनाफा बुक करके आप जा सकते हैं एच ए एल में। राहुल जी, आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं ट्रेड के लिए? तो मेरे रडार पर अभी जो हमने डिस्कस किया कुछ टाइम बाद, परसिस्टेंट सिस्टम्स अपसाइड की तरफ 3484 के आसपास प्राइस चल रहा है, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 3300 पे और फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं 3650 के लिए। ये बोथ BTST हो सकता है और शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा चार्ट्स पे अच्छा डिमांड जोन से बाउंस आया है। ओके, तो परसिस्टेंट पर आप तेजी करके चल सकते हैं, काफी अच्छा बाउंस यहाँ पर देखने को मिला, थोड़ी देर पहले चर्चा भी की थी स्टॉक पर, तो यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डालें तो HDFC बैंक में वीकनेस काफी बढ़ रही है, 1.5% नीचे है, और बैंकिंग में अगर देखें तो अब इस वक्त बैंक्स में दबाव भी है और HDFC बैंक प्रेशर बनाने का काम भी कर रहा है, दिन के निचले स्तर पर HDFC बैंक का स्टॉक आ चुका है। रत्नी जी, HDFC बैंक के स्ट्रक्चर कैसे लग रहे हैं आपको? नेक्स्ट टारगेट क्या होंगे? HDFC बैंक के क्या करेक्शन और गहरा सकता है यहाँ से? HDFC बैंक में किसी भी तरह की तेजी नहीं दिखाई दे रही मुझे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसमें कोई हाथ नहीं डालना चाहिए। 1400 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर महत्वपूर्ण लेवल रहेगा, वो अगर तोड़ता तो फिर वो मध्य गिरा सकती है, तो इसलिए अभी थोड़ी सी तेजी की सलाह नहीं है। ठीक है, तो ये नजरिया HDFC बैंक पर रत्नेश जी का आता हुआ। चलिए कुछ और स्टॉक को भी अपने रडार पर ले आते हैं। आज हम देख रहे हैं ओबरॉय रियल्टी में भी 4.25% की तेजी इस वक्त नजर आ रही है। इसके अलावा प्रेस्टीज स्टेट्स में देखिए लगभग 3.5% की तेजी इस वक्त बरकरार है। राहुल जी, ओबरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज स्टेट्स, जरा बताइए क्या व्यू बन रहा है आपका? जनरली रियल एस्टेट सेक्टर एज अ होल शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश लग रहा है, स्पेशली जो नाम आपने लिया प्रेस्टीज स्टेट्स चार्ट्स पे अच्छा लग रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं, सिर्फ एक कैवियट क्लोजिंग बेसिस पे, दैट इज आज या कल के बेसिस पे 1560 के ऊपर क्लोज होना चाहिए सकते हैं। 1500 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा और ऊपर की टारगेट्स के लिए खेल सकते हैं प्रेस्टीज स्टेट्स। तो होलसेल अगर हम देखें पूरे रियल्टी स्टॉक्स को, तो यहाँ पर नज़रिया पॉजिटिव, उसमें भी प्रेस्टीज स्टेट्स पसंद आता हुआ एम लेवल्स हैं। आज हम देख रहे हैं कि GICRE में भी लगभग 3.5% की तेज़ी इस वक्त नज़र आती हुई। दूसरा स्टॉक HPCL देखिए, यहाँ पर भी 2% से ज़्यादा की तेज़ी आज हम देख रहे हैं, और HPCL के साथ ही ONGC को भी जोड़ देते हैं जहां पर तेजी नजर आ रही है। राहुल जी, HPCL, ONGC और इसके साथ एक GICRE, बताइए क्या व्यू बन रहा है? तो प्रेफर्ड पिक मेरे ख्याल से अगर प्योरली फ्रॉम चार्ट पर्सपेक्टिव आप देखेंगे तो HPCL का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन अभी बन रहा है, तो एक डिमांड जोन है 499-500 के आसपास, जहां से आज भी आप नोटिस करेंगे 2% ऊपर है और ट्राई कर रहा है इसके ऊपर मूव करने के लिए, तो HPCL पे डेफिनेटली वेट एंड वॉच कर सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देख सकता है 525 के ऊपर, क्योंकि अब पिछला जो सप्लाई जोन है उस पे है। माफ कीजिएगा, लास्ट स्टॉक का नाम आपने कौन सा बताया था? GICRE राहुल जी, GICRE। So, GIC जनरल इंश्योरेंस का अगर आप चार्ट नोटिस करेंगे तो फिलहाल बुलिश जाने का
नहीं अभी अभी तक तो फिलहाल बुलिश साइंस नहीं आए हैं, इस पे भी अनफॉर्चुनेटली वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। हिंद पेट्रो का चांसेस थोड़ा बेटर है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये है सलाह जीआईसी रीएश्योरेंस पर। सिप्ला 4% ऊपर है आज, और दिन भर इस कमजोर बाजार में भी अच्छी तेजी देखने को मिली, और निफ्टी के टॉप गेनर में से एक है सिप्ला का स्टॉक आज के दिन। रत्नी जी, क्या सलाह होगी आपकी सिप्ला में आज दिन भर के लिए, जिसने ट्रेड लिया हो वो अभी भी बने रहें और तेजी के लिए, या फिर अब निकल जाएं? जिन्होंने आज के सत्र के लिए लिया है इंट्राडे में, तो मेरे हिसाब से उनको तो मुनाफा जरूर बांध लेना चाहिए इंट्राडे के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पे 1420-30 रुपए का थोड़ा सा सप्लाई जोन है, उसके ऊपर निकलने पे नई तेजी आएगी। तो आज के सत्र में जिन्होंने लिया उनके लिए तो मेरी तरफ से सलाह है कि मुनाफा बांध लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मुनाफा बांधने की सलाह इस वक्त आपको दी जा रही है। अन्य स्टॉक्स पर नजर डालें तो मणप्पुरम फाइनेंस अब 3% ऊपर ही आ चुका है स्टॉक, 181 के पास कारोबार कर रहा है। राहुल जी, मणप्पुरम फाइनेंस में क्या करें? एक बहुत लंबी गिरावट के बाद मणप्पुरम फाइनेंस फाइनली थोड़ा स्टेबिलिटी देख रहा है। मेरे ख्याल से लॉन्ग जाने के लिए 188 लेवल्स तक वेट करना चाहिए, शायद अभी 180 के आसपास चल रहा है स्टॉक, तो 188 के ऊपर ही लॉन्ग कर सकते हैं, तब तक हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। जो डिक्लाइन आया था वो एक्चुअली वेरी शार्प आया था, इसीलिए एटलीस्ट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का के बाद ही लॉन्ग सजेस्ट कर रहे हैं। ये है मणापुरम फाइनेंस पर राय राहुल जी की तरफ से आती हुई। कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। आप देखिए, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज में लगभग 7.5% की शानदार तेजी इस वक्त हम देख पा रहे हैं। इसके साथ ही देखिए, लिंडे इंडिया भी 6.25% ऊपर इस वक्त कारोबार करता हुआ। तो ब्रिगेड एंटरप्राइजेज और लिंडे इंडिया, रत्नेश जी बताइए क्या नजरिया बन रहा है आपका? रत्नेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? कौन सा स्टॉक पूछा आपने? जी, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस देखिए 7.5% ऊपर है लगभग, और लिंडे इंडिया 6.25% की तेजी। ब्रिगेड ब्रिगेड में थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद में मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसमें तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे 1120 1160 तक के टारगेट आ सकते हैं, तो इसमें बिल्कुल तेजी करी जा सकती है। लिंडे इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी तेजी, थोड़ा सा चार्ट पे थोड़ा सा स्ट्रेच है, तो कहीं थोड़ा बहुत नीचे कहीं पे मिलता है 8700 रुपए तक, वहां पे फिर नहीं देखिए करनी चाहिए। 8500 का स्टॉप लॉस, ऊपर में टारगेट 9200-9300 तक आ सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स को भी अपने रडार पर ले आते हैं, और स्ट्राइड्स फार्मा का शेयर भी लगभग 5.5% से ऊपर इस वक्त नज़र आ रहा है। वहीं केईसी इंटरनेशनल देखिए, यहाँ पर भी 5.5% की तेज़ी हम देख रहे हैं। राहुल जी, स्ट्राइड्स फार्मा और केईसी इंटरनेशनल, क्या राय बन रही है आपके? में आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बेहतरीन अपमूव आज है, बट 918 के आसपास एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो जब तक 918 क्रॉस हो जाए या एक क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस होता है, उसमें लॉन्ग नहीं इनिशिएट करेंगे। केईसी का स्ट्रक्चर इज बेटर कंपेयर टू स्ट्राइड्स, बट सिर्फ एक दिक्कत है केईसी में कि आज का हाई आप नोटिस करेंगे 790 के आसपास है, और अभी 760 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब 5% हाई से स्टॉक नीचे गया है इंट्राडे। तो ये एक्चुअली एक बहुत ही बेरिश साइन है, और जब तक सस्टेन नहीं करता है 2-3 दिन तक, तब तक मैं लॉन्ग नहीं सजेस्ट करूंगा इस स्टॉक में भी। तो 918 के ऊपर विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्राइड्स, और केईसी में 700-785 के ऊपर ही लॉन्ग सजेशन हो। तो ये है खास रणनीति आपके लिए राहुल जी की तरफ से आती हुई, स्ट्राइड्स फार्मा और केईसी इंटरनेशनल, अहम लेवल्स का खास रूप से ध्यान रखिए।